भारत माता की। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तेलंगाना में विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आपके बीच आने का अवसर मिला है। आज रामागुंडम में फर्टिलाइजर प्लांट के साथ साथ रेल और रोड से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ ही मैं भी आपकी तरह भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और जब कार्यकर्ता के नाते हमारे संजय जी ने हुक्म कर दिया कि आप हैदराबाद में कार्यकर्ताओं को मिलकर के जाइए, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आने का मुझे अवसर मिला। साथियों, मैं तेलंगाना बीजेपी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मैं आपको बधाई देने के लिए आया। मैं वाकई बताता हूं कि मैं तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से बहुत प्रभावित हूं। कदम कदम पर आप लोग मां भारती के लिए समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से जिस प्रकार से डटे हो, हर जुल्म के खिलाफ सर ऊंचा कर करके जंग लड़ रहे हो, निराशा की गर्त में डूबी हुई यहां की सरकार जिस प्रकार आप पर जुल्म ढो रही है, अत्याचार कर रही है, लेकिन आप बिना थके, बिना डरे, बिना झुके मां भारती की सेवा में लगे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। भाइयों बहनों, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन साथियों, जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है।
और भोर से ठीक पहले, उजियारे से पहले आज तेलंगाना में भी ऐसे ही कमल खिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के परिश्रमी मेहनती कार्यकर्ताओं की वजह से अब तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है। अभी मुनुगुड़े की जनता ने जिस प्रकार भाजपा पर भरोसा जताया है वो अभूतपूर्व है। और मैंने देखा कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी की पूरी तेलंगाना राज्य सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। बड़े आकाओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि जनता के आप पर आशीर्वाद है और आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। आपने हर बूथ पर कितनी ईमानदारी और लगन से काम किया है इसका ये सबूत है। भाई, बीते कुछ समय से जो भी उपचुनाव हुए हैं सभी उपचुनावों का एक ही संदेश है, तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। साथियों, बीजेपी का तेलंगाना के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। 1984 में जब हमारी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी उनमें से एक इसी राज्य की हनमकोंडा सीट थी। हमारे जंगा रेड्डी जी जीत करके आए थे। तेलंगाना के लोगों ने सबसे मुश्किल समय में, जब हमारे बहुत बुरे दिन थे, तब भी तेलंगाना ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। तब तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने जो तब किया उसी के कारण आज बीजेपी लोकसभा में 300 से अधिक सीटों की पार्टी है। आज तेलंगाना की जनता बीजेपी को तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए भी मन बना चुकी है।